और अगर बात उन्नाव की करें तो उन्नाव में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी के साक्षी महाराज और एसपी के अन्नू टंडन के बीच में तगड़ी फाइट है। ऐसे में उन्नाव की जनता का क्या कुछ मूड है, देखिए उन्नाव से चुनावी चौपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल, में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमने चुनावी चौपाल लगाई है उन्नाव में। कानपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर उन्नाव में आज हमने चुनावी चौपाल लगाई है, जहां पर मुख्य मुकाबला साक्षी महाराज और अन्नू टंडन के बीच में है। साक्षी महाराज जिन्होंने 2014 में यहां पर कमल खिलाया, 2019 में भी कमल खिलाया और 2024 में पार्टी ने तीसरी बार उनको प्रत्याशी बनाया है। मुकाबला है अन्नू टंडन से, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है वो, ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है गठबंधन के तहत। 2009 में अन्नू टंडन जीती थी, क्या इस बार वो साक्षी महाराज को मुकाबला दे पाएंगी? चाय की इस दुकान पर हम चर्चा करेंगे, लोगों से सियासत में जो चर्चाएं चल रही हैं वो भी समझेंगे, उनके मुद्दे भी समझेंगे, उनका मूड भी समझेंगे। पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, चाय पक रही है, समोसा भी बन रहा है, माहौल पूरा टाइट है और इस दुकान के भीतर सियासी चर्चाएं भी चल रही हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, उससे पहले भैया से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? श्याम। चाय पक रही है अभी यहाँ, सियासत में क्या पक रहा है? सरकार चुनाव चल रहा है। चुनाव चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, किसके लिए बढ़िया चल रहा है? अब भैया जो अच्छा फाइट करेगा वही जीतेगा। अच्छा, महाराज जी ने बढ़िया काम किया? महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बढ़िया काम किया है। और अन्नू टंडन ये भी समाज सेविक हैं, समाज सेविक हैं। मुकाबला बढ़िया होगा? बढ़िया। तो चाय वाले भैया ने बता दिया कि मुकाबला बढ़िया होगा। अब चलते हैं अंदर, वहाँ जो लोग चाय पी रहे हैं उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मानना है। क्या हाल भैया? सब बढ़िया एकदम, चश्मा उश्मा लगा के एकदम। क्या नाम आपका? नीरज शुक्ला नाम है। नीरज शुक्ला जी, इधर आपने अंधेरे में भी चश्मा लगा रखा है, धूप वाला, धूप बहुत तेज भी बाहर से ही आ रहा है। अच्छा, वोट देते वक्त तो ये चश्मा उतार देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, चश्मा उतारेंगे तभी तो 5 साल का आगे का दिखेगा। अच्छा, 5 साल पीछे का और 5 साल आगे का देखकर तब वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ठीक ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। अब 13 तारीख का इंतजार है। किसके लिए ठीक चल रहा है? अब मोदी और योगी से तो बैर नहीं है, बसरते कैंडिडेट से बाहर है। अच्छा। यहाँ पे जो कैंडिडेट इस बार किया गया है वो गलत है। तो कितना टाइम लग जाता है लखनऊ से आने जाने में? करीब 2 घंटे। सड़कें टनाटन बनी हुई है, फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन काम चालू है, टाइम ज्यादा, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। फैमिली वहीं रहती है? तो फैमिली में कुछ तो चर्चा चल रही होगी चुनाव को लेकर? नहीं, हम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है। रवि रावत साहब क्या करते हैं आप? करते पॉलिटिक्स ही हैं। अब बोलेंगे कुछ नहीं जी, अभी तो पॉलिटिक्स में तो बोलना पड़ता है यार भैया। अभी कमेंट कहते हैं कि अच्छा नेता वही जो अच्छा वक्ता, और रावत साहब कह रहे हम कुछ बोलेंगे नहीं। माहौल ऐसा है कि अभी चुप्पी ठीक है, 13 तारीख को वोट पड़ेगा तब चुप्पी तोड़ेगी। और 4 जून को? 4 जून को रिजल्ट का नतीजा देखा जाएगा। ठीक है, आपका नाम भैया? श्री राम राजपूत। क्या चल रहा है राजपूत जी माहौल? माहौल बढ़िया चल रहा, बढ़िया चल रहा है। हाँ, साक्षी महाराज के दौर में चल रहा माहौल, महाराज जी के लिए बढ़िया चल रहा है जी। पिछली बार लगभग 4 लाख वोट से जीते, इस बार 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख से जीत जाएंगे? अन्नू टंडन मुकाबले में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको 2 बार मुकाबला हो चुका। शुक्ला जी तो कह रहे हैं कोई कामकाज नहीं, अपना अपना विचार है, अपना अपना विचार। राजपूत साहब के विचार में बढ़िया। हाँ, हमारे विचार। आपका नाम भैया? कुलबीर सिंह, पूर्व प्रधान दरहटा और दरहटा समिति के उपाध्यक्ष। अच्छा। और पूर्वा मंडल के महामंत्री, पूर्व मंत्री। अच्छा। पूर्व महामंत्री, प्रधान जी रह चुके हैं आप? जी हाँ। बढ़िया काम किया आपने जी अपने गांव में जी। तो पूर्व प्रधान क्यों हो गए फिर जी? जी, पूर्व प्रधान इसलिए हो गए, वहाँ पर सीट आरक्षण में चली गई। अच्छा। और दूसरी बात जो है, वहाँ पर हम परिवार में कमजोर रहे, इसलिए दोबारा चुनाव नहीं लड़े। सड़कें चमचमा रही हैं? जी बिल्कुल, सड़कें चमचमा रही हैं। अभी आप भगवान नगर तरफ जाएंगे तो देखेंगे नेशनल हाईवे बना है, जहां पर आने में पहले 2 घंटे का समय लगता था, अब आप 40 मिनट भगवान नगर जा सकते हैं। अच्छा, कोटा पूरा हो गया चाय का, लेकिन सियासत का कोटा तो अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक मतदान नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर क्या चल रहा है मन में? भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय साक्षी महाराज जी हैं। पिछली बार इससे पहले हम लोग 3.25 लाख वोट जीते थे, फिर 4.25 लाख, इस बार हमारा आंकड़ा है 5 के ऊपर हम लोग जीतेंगे। 5 के ऊपर पहुंचा देंगे, 5 लाख के ऊपर जी। अच्छा, तीसरी बार यहाँ जनता भेजे, इतना बढ़िया काम किया उन्होंने। हाँ, स्वाभाविक है। अच्छा अच्छा, गोलू भैया कौन है भैया? आप हैं
गोलू भैया कैसा चल रहा है अभी? चल रहा है, यहाँ मसासी महाराज जी जीतेंगे। आपने टीका चंदन लगा रखा है इसलिए कह रहे हैं? ऐसे नहीं, वो 5 लाख पार जीतेंगे। 5 लाख पार 100% 100% जीतेंगे। लेकिन अनुज एक बात ये समझाइए बहुत सरल करके कि पिछली बार जो हार जीत का अंतर था वो तकरीबन 4.25 लाख के आसपास था, तो मान लीजिए कितनी भी नाराजगी होगी, कितना भी लोग उधर चले जाएंगे, तो ये 4.25 लाख का जो मार्जिन है ये घटकर ऐसा तो नहीं आ जाएगा कि महाराज जी की हार हो जाए? जी देखिए, ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि ये जो जब 4 जून को नतीजे खुलेंगे तभी कह सकते हैं, लेकिन ये कहना जरूर है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ रही है उसका असर भाजपा के वोट बैंक में दिखाई देगा, कहीं ना कहीं जो उनका मुकाबला साफ तौर पर देखने वाला होगा कि उन्नाव में कांटे की टक्कर रहेगी। एक लाइन में पूरी कहानी आपने कह दी कि चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, अनु टंडन कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में है, इस वजह से अनुज कह रहे हैं कि मुकाबला है यहाँ पर, कांटे का मुकाबला है। चूंकि अनु टंडन 2009 में सांसद रह चुकी हैं, लेकिन साक्षी महाराज 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, तो जाहिर सी बात है कि वो तीसरी बार यहाँ पर हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन विपिन के साथ अमित गर्ग शुक्ला, उन्नाव।